हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, वर्ल्ड रिपोर्ट ट्वाइस एज मेनी कोलेरा केसेस इन 2022 एज इन 2021 WHO। तो मतलब आप देखिए, जैसे साल गया मतलब नेक्स्ट ईयर केसेस ट्वाइस हो गए। तो यहाँ पे मतलब इम्प्रूवमेंट ना होना एक चीज़ होती है और एक होता है डिग्रेडेशन हो जाना। तो डिग्रेडेशन अलग हो गया, वो भी किस रेट से, इंटू टू के हिसाब से, क्योंकि चीज़ें डबल हो गई। तो देखते हैं क्या है। कोलेरा इज ए वाटर बोर्न डिजीज, तो मतलब पानी के वजह से होता है। कॉज्ड बाय टू स्ट्रेन कॉल O1 एंड O139 ऑफ द बैक्टीरिया विब्रो कोलेरिया। ठीक है। ऑफ दिस O1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल आउटब्रेक्स। आउटब्रेक्स ऑफ O139 आर रेयर एंड नन हैव बिन रिकॉर्डेड आउटसाइड एशिया। तो मतलब एशिया के बाहर तो ये वाले नहीं है, पर ओवन जो है ये हर जगह ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। और इसके एशिया के बाहर नहीं है O139 के। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वीकली एपिडेमियोलॉजिकल रिकॉर्ड पब्लिश्ड ऑन सितंबर 22, दी वर्ल्ड रिपोर्टेड मोर देन ट्वाइस एज मेनी कोलेरास केसेस इन 2022 एज इट डिड इन 2021। तो इंटू टू के हिसाब से चीज़ें बढ़ी हैं इस साल, मतलब लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ऑन ईयर बेसिस। ठीक है। अब देखिए चार्ट वन किधर है अपना, ये वाला है, देखते हैं क्या है। बिटवीन दिस ईयर मोर देन ट्वाइस एज मेनी कंट्रीज आर रिपोर्टेड इन एटलीस्ट 10,000 सस्पेक्टेड एज वेल एज कन्फर्म केसेस ऑफ कोलेरा। बोथ दिस ट्रेंड सजेस्ट अ रिवर्सल ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग प्रेवलेंस सिंस 2019। The reversal also complicates the target of WHO specified in 2017 to reduce the number of cholera deaths worldwide by 90% by 2030. According to the United Nations Health Body, cholera transmission is closely linked to inadequate access to clean water and sanitation facility. तो आप देखिए, क्लीन वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी के ना होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया ऑल्सो फेवर्स वार्मर वाटर विथ लोअर सेलिनिटी। जस्ट अ सेकेंड, वार्मर वाटर विथ लोअर सेलिनिटी किधर थे हम लोग, वार्मर वाटर विथ लोअर सेलिनिटी। तो ये कंडीशन बता रहे हैं बैक्टीरिया का ग्रो होने का। ठीक है। ऑल दिस कंडीशंस आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ फ्लड्स, हीट वेव्स, इंटेंस मॉनसूनल रेन एंड स्ट्रॉम एंड द ड्यूरेशन ऑफ वार्म पीरियड्स एंड वॉर। द एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट ब्लेम्स द अपटिक ऑफ द डिक्लाइन ऑफ COVID-19 पेंडेमिक एंड इट्स रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स इन प्रोवाइडिंग केयर टू दोज मोस्ट वल्नरेबल टू द डिजीज, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए क्या है, 1989, 2005, 2022, यहाँ पे चीज़ें कितनी बढ़ी, फिर यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये कम होता दिखना चाहिए था, पर यहाँ पे ये बढ़ रही है 2022 में। इसका ट्रेंड देखिए, यही चल रहा है। इन 2021 स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ कंडक्टेड दैट द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन फेवरेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ विब्रियो बैक्टीरिया कुड इंक्रीज बाय 38,000 किलोमीटर बाय 2100 ओवर द 1850 एंड 2014 एवरेज। ठीक है। एट द SSP5 8.5 एमिशन सिनेरियो, अ जुलाई 2023 स्टडी बाय रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा फाउंड दैट विब्रियो पैथोजेंस हैव अ यूनिक एबिलिटी टू स्टिक टू माइक्रो प्लास्टिक एंड दैट दिस माइक्रोब्स माइट बी अडेप्टिंग टू प्लास्टिक इंक्लूडेड इन ओपन सी ओपन ओशन अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट बाई दी नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो ये जो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक्स में ये जितने भी इनके बैक्टीरिया है वो उसमें स्टिक करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, और फिर वो प्लास्टिक में ट्रांसमिट होगी, वो प्लास्टिक के पास भी वो चीज़ें रहें। तो ग्रोइंग कोलेरा बर्डन एंड वाइल वेटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग टू बियर फ्रूट, द बॉडी डेट मैनेजेस एंड इमरजेंसी स्टॉकपाइल ऑफ द ओरल कोलेरा वैक्सीन श्रैंक द रिकमेंडेड वैक्सीनेशन रिजाइम फ्रॉम 2 डोजेस टू 1। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोस्ट कोलेरा केसेस कंटिन्यू
to be reported from Africa and Asia, with European accounting for a new imported cases. यहाँ पे चार्ट टू की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, एशिया में, अमेरिका में ठीक है पहले था, अब कम है, ओशियनिक यूरोप में देखो अब इतना ज़्यादा है नहीं। तो मतलब यही बात है कि अफ्रीका और एशिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो अगर ये आपका ग्लोब है भी, यहाँ पे इक्वेटर है आप मानिए, तो अफ्रीका यहाँ पे एशिया है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए अमेरिका यहाँ पर है, यूरोप तो ऊपर में, इसलिए यूरोप सबसे कम है क्योंकि यूरोप ऊपर में। तो यहाँ पे कंडीशन जो हमने देखा वार्मर वाटर, तो यूरोप में तो वो कंडीशन है ही नहीं ना वार्मर वाटर की, इसीलिए यूरोप में वो कंडीशन नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। इन अफ्रीका केसेस वर मोर स्प्रेड आउट इन 2022 देन दे वर इन 2021 विच द रिपोर्ट क्वालिफाइज एज नो सिंगल कंट्री हैव रिपोर्टेड मोर देन 25% ऑफ ऑल केसेस एंड 30% ऑफ ऑल डेथ्स। द रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट बिटवीन 2021 एंड 2022 द कॉन्टिनेंट रिपोर्टेड 29% फ्यूअर केसेज एंड 52% फ्यूअर डेथ्स। दिस इज गुड न्यूज इट अपियर्स टू बी। In 2021, Nigeria had the largest cholera breakout that accounted for 78% of all cases in Africa that year. But in 2022, both the numbers of cases and deaths in all other countries that reported data more than doubled. So, ये double से ज़्यादा हो चुका है. Cameroon and Malawi in particularly reported 5,000 cases after more than a decade. Similarly, Asia, both Lebanon and Syria have reported cases at all the first time in a decade. Yemen had reported nearly 90% of the cases in West Asia in 2021 but didn't report data in 2022. In Afghanistan, more than half of all cases were among those aged 5 years. But there is one silver lining, whereas 20% of the countries that declared cases in 2021 reported using rapid diagnostic tests, 56% did so in 2022. अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वेरिएंट, ठीक है, वेरिएंट आपका, ठीक है, कोलेरा का दो वेरिएंट है। आप देखिए O1 है, O1 O139, ये दो है कोलेरा के, ठीक है। अब आप देखिए ये एशिया में इससे नहीं होता है, इससे ये एशिया के बाहर भी होता है और ये सिर्फ एशिया के बाहर नहीं होता है O139, यही बात हुई थी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मतलब अगर 2021 में एक्स केसेस हुए थे तो 2022 में 2x केसेस हुए, डबल हो गए हैं केसेस आपके। यहाँ पे ये बात हो गई, केसेस की बात हो गई। अब आप देखिए हमारे इसके लिए क्या चाहिए, ये अगर हमें रोकना है तो क्लीन वाटर चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, स्वच्छ भारत यहाँ पे अभियान आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका कंडीशन क्या है, एक तो वार्म वाटर चाहिए, लोअर सैलिनिटी चाहिए इसको, ठीक है, जो चीज़ कैसे हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ये दोनों चीज़ें फेवर क्या कर रहा है आपका क्लाइमेट चेंज, तो इसलिए कोलेरा बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या था, विब्रो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, ठीक है। अब देखो ये जो विब्रियो पैथोजेन है ये आपके स्टक माइक्रोप्लास्टिक पे स्टक होने की कैपेसिटी रखता है, जो अडेप्ट होंगे आपके प्लास्टिक में भी। एंड अब देखिए एशिया अफ्रीका में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, ठीक है, ये रहा आपका वो चार्ट जहाँ पे एशिया अफ्रीका में सबसे ज़्यादा केसेस है। सबसे कम केसेस आपके यूरोप में पाए जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पे कोल्ड वाटर होता है इतना, तो वहाँ पे वार्म वाटर का टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा है कि ये चीज़ सस्टेन कर पाए, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे रिपोर्ट तो है, ये कहाँ कहाँ पर हुआ है, ये सारे कंट्रीज देखिए, डेटा नहीं याद रखना है पर पता होना चाहिए नाइजीरिया कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए नाइजीरिया नीचे, उसके ऊपर नाइजर, यहाँ पे कौन से रिवर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मालावी कहाँ पर है, ठीक है, मालावी ऐसे है, उसका कैपिटल लिलोंगवे, यहाँ पे आपका मोजाम्बिक आ जाता है, यहाँ पे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तो ये सारे कंट्रीज आपको ऐसे पता होने चाहिए, यहाँ पे तंजानिया, ऊपर में केनिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे पता होने चाहिए, लेबनन, सीरिया,
लाइक वाइज आपको सारे कंट्री ऐसे ही पता होना चाहिए, यहाँ पे लेबनन है, यहाँ पे सीरिया है, ऐसे गन की तरह बना आपको जॉर्डन है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, येमेन हो गया। अब देखिए ये कंट्रीज़ के नेम तो पता होनी चाहिए आपको, एंड ये दो वेरिएंट इनके कैसे होते हैं, रिपोर्ट डेटा में क्या आया है, उसका नाम क्या है आपका, विबीरियो कोलेरा कोलरे, और उसके बाद से रिपोर्ट का नाम क्या है आपका, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा रिपोर्ट दिया है आपका, वीकली रिपोर्ट ये आपका, ठीक है, तो ये वाटर बोन डिजीज है, पानी से होता है। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतना ही था।